हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं केएफसी बिग बैश लीग के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में मेलबर्न के मार्वल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 26 दिसंबर को दोपहर के 3:45 पर। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है सोनी 6 के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहां पे आपको बिग बैश लीग के अलावा सुपर स्मैश के मुकाबले, एशेस के मुकाबले, इंडिया साउथ अफ्रीका के मुकाबले, सभी के सभी मुकाबलों की फैंटेसी टीम मिलने वाली है। आपको जल्दी से बस सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और फ्री में को ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम के ऊपर। अगर मैं आपसे बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो पिछला मुकाबला इस मैदान पे इन्हीं दोनों टीम के बीच खेला गया था, जहां पे ये पिच बहुत ही शानदार थी बल्लेबाजी करने के लिए। जनरली यहां पे बल्लेबाजी करना आसान होता नहीं है, लेकिन अब पिछले मुकाबले की पिच ऐसी थी, तो उम्मीद करते हैं इस मुकाबले के अंदर भी एक अच्छी पिच होने वाली है बल्लेबाजी के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं पर्थ स्कॉचर्स की टीम के बारे में, जो कि अपने 5 में से 5 मुकाबले जीत चुकी है। और ये टीम बहुत ही ज्यादा शानदार फॉर्म में मुझे लग रही है। इनके लिए सबसे तगड़े प्लेयर है मिचेल मार्श, जो कि बल्लेबाजी भी काफी शानदार कर रहे हैं, गेंदबाजी के अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो फॉर्म मिचेल मार्श का है वो बहुत ही कमाल बात है इस टीम के लिए। और लॉरी इवंस ने बहुत ज्यादा मुझे सरप्राइज किया है नंबर 5 पे, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं बहुत ही कमाल की बात है। उनकी फिनिशिंग काफी शानदार रही है, हालांकि दिक्कत की बात है जॉश इंग्लिश का फॉर्म वो ओपन करते बिल्कुल खास कर नहीं पाए। मैं चाहूंगा इस मुकाबले के अंदर वो नंबर 4 पे बल्लेबाजी करे। और कॉलिन मनरो, जो कि बहुत ही कमाल की ओपनर, एक सेंचुरी मार चुके हैं, उनको नंबर 4 पे खिलाया जा रहा है। वो नंबर 4 पे अच्छा नहीं खेलते, उनको ओपन कराने की जरूरत है इस मुकाबले में। तो ओवरऑल कुछ काफी बड़े नाम है इस टीम में T20 के, जो कि इस मुकाबले के अंदर भी अच्छा करना चाहेंगे। लेकिन टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस टीम की गेंदबाजी। एंड्रू टाय 5 मुकाबलों के अंदर 10 विकेट निकाल चुके हैं, बहुत ही शानदार फॉर्म चल रहा है एंड्रू टाय का। एस्टन एगार को 5 मुकाबलों में 8 विकेट मिले हैं, उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग काफी शानदार है, वापस से कंटिन्यू करना चाहेंगे। जेसन बेरेंडा वो पीटर हर्ट्ज़गलाउ जो हैं वो 6-6 विकेट निकाल चुके हैं इस टीम के लिए। और टिमन मिल्स भी बहुत ही कमाल के गेंदबाज होने वाले हैं। तो पर्थ स्कॉचर्स के जो बल्लेबाज है वो भी काफी शानदार फॉर्म में लग रहे हैं, फिनिशिंग काफी शानदार है, टॉप ऑर्डर काफी शानदार है और गेंदबाज उनके बहुत ही ज्यादा शानदार मुझे लगते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं प्लेइंग 11 के बारे में, तो मुझे लगता है इस मुकाबले में ओपन कर सकते हैं कॉलिन मनरो और कर्टिस पैटरसन, नंबर 3 पे मिचेल मार्श, नंबर 4 पे जॉश इंग्लिश, नंबर 5 पे लॉरी इवंस, नंबर 6 पे एस्टन टर्नर, नंबर 7 पे एस्टन एगार, फिर एंड्रू टाय, जेसन बेरेंडॉफ, पीटर हर्ट्ज़गलाउ और टिमल मिल्स। जरूर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है पर्थ के पास में, और टीम लगातार 6 मुकाबले जीतना चाहेगी इस मुकाबले के अंदर। अब मैं आपसे बात करता हूं मेलबर्न रेनेगेड्स के बारे में, जो कि अब तक केवल एक ही मुकाबला जीत पाई है इस टूर्नामेंट के अंदर, और ये इनके लिए काफी बड़ा मुकाबला है। टीम को ये मुकाबला अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेलने का मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है इस टीम की बैटिंग, जो कि पिछले मुकाबले में सॉल्व हुई जब एरॉन फिंच और निक मेडिसन दोनों ने काफी कमाल खेला। एरॉन फिंच की वापसी हुई पिछले मुकाबले, बहुत ही शानदार फॉर्म में लग रहे थे, इस मुकाबले के अंदर भी निगाह रहने वाली है। निक मेडिसन कप्तान है इस टीम के और वो भी पिछले मुकाबले में बहुत ही तगड़े फॉर्म में थे। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि इन दोनों के अलावा इस टीम में एक भी बड़ा बल्लेबाज नहीं है। मैकेंजी हार्वी है, सैम हार्पर है, जेक फ्रेजर मगॉक है, लेकिन वो उतने अच्छे प्लेयर नहीं है। तो वापस ही टीम की जो बल्लेबाजी है वो एरॉन फिंच और निक मेडिसन के ऊपर रिलाय करने वाली है। मोहम्मद नबी ने भी काफी डिसअपॉइंट किया है इस पूरे सीजन के अंदर। गेंदबाजी के बारे में बात करता हूं तो केन रिचर्डसन इस टीम के लिए 9 विकेट निकाल चुके हैं, सबसे अच्छे तेज गेंदबाज इस टीम के, वापस इनके ऊपर निगाह रहने वाली है। जहीर खान को भी 7 विकेट मिले हैं इस टीम के लिए, बहुत अच्छे चाना में गेंदबाजे कंटिन्यू करना चाहेंगे। उनके अलावा भी जेम्स पैटिनसन इस टीम में है, रीस टॉपली है, विल सदरलैंड है। तो गेंदबाजी के अंदर फिर भी कुछ काफी डिसेंट नाम है, लेकिन दिक्कत आएगी बल्लेबाजी में। एरॉन फिंच और निक मेडिसन पे निगाह रहने वाली है। अगर मैं आपसे बात करता हूं रेनेगेड्स की 11 के बारे में, तो इनके लिए ओपन कर सकते हैं एरॉन फिंच और मैकेंजी हार्वी, नंबर 3 पे निक मेडिसन, नंबर 4 पे सैम हार्पर,
पर, नंबर 5 पे जेक फ्रेजर मोगोग, नंबर 6 पे मोहम्मद नबी, नंबर 7 पे विल सदरलैंड, फिर केन रिचर्डसन, जेम्स पैटिनसन, रीस टॉपली और जहीर खान। तो जरूर से एक इंपॉर्टेंट मुकाबला रेनेगेड्स के लिए और टीम ये मुकाबला जीतना चाहेगी। कमेंट करके बताओ मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी पर्थ, वो टीम होगी मेलबर्न, आप बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली क्वेश्चन के ऊपर। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियस ही बात है, पढ़ना यहाँ पे पर्थ स्कॉचर्स का ही भारी रहने वाला है। पर्थ के पास जिस तरीके की टीम है वो हर डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर क्रिकेट के मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर से कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इस तरह वीडियो देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।